कैसे हो? आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बताएंगे कि इलेक्ट्रिक दुकान डालने से पहले हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या सामान होना ज़रूरी है नई इलेक्ट्रिक शॉप डाले तो। शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। हाँ दोस्तों, सबसे पहले हमें देखो इलेक्ट्रिक दुकान डालते हैं तो आप पेन और कॉपी हाथ में ले लीजिए, जिससे हम आपको सामान बताएं वो आप लिख सकते हैं, जिससे आप शॉप के कहाँ पर भी जाए तो सामान लेने बोलना हो। सबसे पहले हमें कहीं भी दुकान पे जाए, इलेक्ट्रिक दुकान शुरू करें, सबसे पहले हमें ये एक 10 रुपये वाला बल्ब लेना है। ये आपके हिसाब से देख लेना कौन से कंपनी का ले। और ये बल्ब अभी ज़्यादा चलता नहीं है, गांव वगैरह में ज़्यादा चलता है, इसीलिए आप जहाँ पर रहते उस एरिए के हिसाब से ये बल्ब ले सकते हैं, एक दो बैटरी ले सकते हैं इस बल्ब की। और इसके बाद देखो, अभी एलईडी बल्ब का ज़माना है, इसलिए लोग ज़्यादातर एलईडी बल्ब इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के होते हैं। ये एलईडी बल्ब भी आप अपने हिसाब से लीजिए। देखो कितने वाट से शुरू होता है, 0.5 से आधे वाट से शुरू होता है, फिर आता है 3 वाट, 5 वाट, 7 वाट, 9 वाट, 12 वाट, इस तरह से बल्ब आते हैं। लास्ट हमें नई शॉप शुरू करें तब तक 12 वाट के बल्ब ही रखने, 12 वाट से ऊपर नहीं रखने। वो 12 वाट से ऊपर रखे तो आपका एरिया देख के उससे हिसाब से रखें, ये बल्ब आता है इस तरह का। और उसके बाद हमें एक दो मेन काम आने वाली चीज़ ये टेप रोल, सबसे ज़रूरी यही चीज़ है जो कि हमें काम लेनी होगी, यही टेप रोल का एक दो बॉक्स ले लें, जो कि आपको सबसे ज़्यादा बिकने में काम आने वाली चीज़ें। कहीं भी ये वायरिंग वगैरह में सबसे पहले लोग ये ज़्यादातर यही ले जाते हैं। और इसके अलावा बाद में आती है एक ये मल्टी प्लग, ये देखो ये मल्टी प्लग आता है, इसको हम सब यहाँ से पीछे से पाइपिंग सॉकेट के अंदर डालते हैं। यहाँ भी हम पिन डाल सकते, 2 पिन सॉकेट, यहाँ भी 2 पिन डाल सकते हैं, यहाँ पर 3 पिन डाल सकते हैं, इस तरह का मल्टी पिन आता है। ये भी अलग अलग रेंज में आता है, कंपनी में आता है, हेवी में आता है थोड़ा, या आपके हिसाब से देख लीजिए कैसा लोगे कैसा नहीं लोगे, हम आपको बता रहे हैं। और इसके बाद में हम आपको लेना होगा देखो इस तरह का बटन होल्डर, या बटन होल्डर कोई भी हम बोर्ड वगैरह तैयार करते हैं उसके ऊपर ले जाते हैं लोग, बोर्ड पे कसते हैं, और ये ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है, इसको भी ज़रूर रखें। और इसके बाद आता है एक एंगल होल्डर, देखिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये वो होल्डर तो था एकदम सीधा, ये एकदम तिरछा होल्डर, जो कि हम सामने की दीवार की ओर इस प्रकार लगाते हैं, इसकी रोशनी पूरी नीचे आती है, इसको एंगल होल्डर बोलते हैं। ये भी एक दो बॉक्स ले लेना, ज़्यादातर तो सीधे वाले बटन होल्डर ही काम आते हैं। और एक 2 पिन सॉकेट, ये 2 पिन ले लेना, ये भी आजकल हर व्यक्ति को चाहिए, इसके बारे में बताने जरूरत है नहीं, आपको मालूम ही होगा। फिर इसके बाद आते हैं हम एक टेस्टर, ये भी रखिए तापड़िया कंपनी का रखते हैं हम तो, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बेस्ट टेस्टर है मार्केट में, 50 से 60 रुपये का मिलता है ये एक टेस्टर। और अब आंधे हैं हम, ये देखिए विनय का पाइपिंग सॉकेट है, इसको हम खोल के दिखाते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है, ये कोई भी बोर्ड वायरिंग फिटिंग में भी ये लोग ले जाते हैं इस तरह का, ये पाइपिंग सॉकेट आता है, इसको इसके भी आप अपने डायरी में एंटर कर लीजिए। और इसके बाद आते हैं हम स्विच, ये स्विच आता है, ये भी आपको लेना बहुत ज़रूरी है, जो बहुत अच्छी तरह भी काम लेने में आता है, इस पर का आता है। और इसके बाद हमें देखो इस तरह के कोई मार्केट में ऐसे बोर्ड मिल जाते हैं, 50 से 60 रुपये मिल जाते हैं ऐसे बोर्ड, आपके एरिया के हिसाब से ये वहाँ पर मिल सकते हैं,
या 80-90 रुपये में सेल होता है। इस तरह के बोर्ड ज़्यादातर चलते हैं। इसमें एक यहाँ पर होल्डर में भी आता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये बोर्ड देखिए, यहाँ पर एक होल्डर बोर्ड भी आता है जो कि लोग इस तरह भी बहुत बहुत ज़्यादा ले जाते हैं। और फिर आ जाते हैं हम होल्डर पर। ये हो गया हमारा वो लटकाने वाला होल्डर, मल्टी होल्डर। इस यहाँ पर भी पिन डाल सकते, यहाँ पर भी पिन डाल सकते। और इसमें एक सादा होल्डर और रखा है, वो भी हम दिखाते हैं आपको। और तो फिर ये देखिए, एक सादा होल्डर भी आता है। इस पर का होल्डर आता है 20 रुपये में, ये होल्डर सेल होता है। आगे ये मल्टी होल्डर नहीं है, सादा लटकाने वाला होल्डर है और ये मल्टी होल्डर है। ये दोनों में यही अंतर है, इसके अंदर यहाँ से पानी भी चला जा सकता है और इसके अंदर पानी भी नहीं चला जाता। ये देखिए, मैं आपको और कुछ सामान दिखाता हूँ जो कि इलेक्ट्रिक आइटम में सबसे ज़्यादा काम आते हैं और इलेक्ट्रिक दुकान लगाते टाइम हमें ज़रूरत पड़ती है। फिर दोस्तों देखिए, ये एक कैपेसिटर आता है जो कि हम ऊपर सीलिंग फैन में लगाते हैं। ये कैपेसिटर 2.5 नंबर से शुरू होता है जो कि हम अपने सीलिंग फैन में लगाए, 2.5 नंबर, 3.25 और 4 नंबर का सेल कूलर में लगता है वो। ये तीनों साइज ये ज़रूरी है दुकान पे रखने, ये तीनों चीज़ें बहुत काम आने वाली है। कैपेसिटर सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ है, अभी गर्मी आ रही है इसीलिए सबसे ज़्यादा इनकी सेलिंग होएगी। आप सोच रहे हैं दुकान लगाने की, ये भी ज़रूर ले लें। और फिर आते हैं 1 रुपये में बिकने वाला तार। ये आता है देखो, एक तार का बंडल आता है, हमको ये बंडल लेना है। इस तरह के बंडल लेने ने आप फिर अपने हिसाब से देख सकते हो। देखिए, मैंने यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर तार लटका के रखे हैं। ये देखिए बाहर, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको कौन सा सामान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसके हिसाब से सामान रख सकते हैं। और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, ये आती है एलईडी पट्टी जो कि अब सब जगह पर एलईडी पट्टी लगाते हैं लोग। और इस लिस्ट में आप अपने एक टोबलेट का डंडा भी ऐड कर लीजिए, ये भी अभी चलता है। इसकी तो भी अभी सेलिंग बहुत कम हो गई है, इसके अलावा अब एलईडी पट्टी का ज़माना है इसलिए एलईडी पट्टी चलती है सबसे ज़्यादा। फिर देखिए दोस्तों, एक ही हमें इस तरह का बोर्ड ले लेना है, ये भी एंटर कर लीजिए। इसमें तार अपने हिसाब से ले लेना, किसी के अंदर 5 मीटर आता है, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, इसके हिसाब से तार आता है। ये भी ले लेना, ये भी सबसे ज़्यादा चलने वाली चीज़ है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।